हेलो जय भीम, हेलो जय भीम। हाँ राधा जी, मेरे को लंदन पढ़ने के लिए जाना है, तो कैसे भी जेवर बेचे या किसी से कर्जा लेकर के मेरे को पढ़ाई को जाना है। अरे हजारों साल से जो दलित गरीब पिछड़े थे उनके लिए मैं पढ़ाई का पूरा काम हो जाएगा। सर जी भला आप हर रोज पढ़ाई पढ़ाई। आपके कभी जीवन में पढ़ाई पूरी हो गई या नहीं हो गई? भला मेरे बारे में सोचे, आप पब्लिक के बारे में सोचते रहते हो। अपने लिए तो सब कोई जीता है और जो दूसरों के लिए जीता है वो बहुत बड़ा मानव होता है। सर जी, लेकिन मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में भी कभी आपने सोचा है? भला मेरे पास नन्हे नन्हे बालक हैं, ये भूख के मारे रोज बलबलाते हैं, कहाँ से खर्चा चलाऊं मैं आपको? रामा, अगर ये पढ़ाई मेरी पूरी होगी और पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ये हमारे हजारों साल से गरीब गरीब पिछड़े हुए सदियों से दबे कुचले लोगों, मैं उनकी बात सोच रहा हूँ, मैं अपने परिवार की बात नहीं सोच रहा हूँ। रामा कैसे भी व्यवस्था कर, कैसे भी सभी, लेकिन मैं अपना सारा जोर देती हूँ। पहला बच्चा पूछा है उसको भी आप छुपाना चाहते हो, अगर ये भी बिक गया तो मैं खर्चा कैसे चलाऊंगी? अगर ये राजा राजतन पड़ जाएगा तो इस देश का राजा बनेगा, राजा बन करके हजारों करोड़ों दलितों का मसीहा बन जाएगा ये राजरतन। ये राजरतन अपना होनहार लाला है, इसके बारे में आपको सोचना होगा, इस जनता के बारे में सोचना होगा। ठीक है सर जी, आप जैसे कह रहे हो वो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि आपको दलितों के बारे में ज्यादा ख्याल है। आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, जाइए। सज्जन साहिबानों, जब बाबा साहब का विदेश में जाने का सफर आता है तो एक तरफ रमा भाई तुलसी की भी माँ, रमा भाई की हालत को देखकर पर्दे पर आता है बाबा साहब, लेकिन सोचते हैं कि एक तरफ ये सोफी समाज इसका क्या होगा, तो रमा भाई धैर्य बताती है बाबा साहब का कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप लंदन जाइए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।